परफेक्ट। हाँ, आपने सही सुना और चुना, क्योंकि हम आपको एकदम जेन्युइन तरीके का वीडियो देने वाले हैं। अगर आप 10,000 तक का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और अच्छी गेमिंग वाला स्मार्टफोन या अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा फोन चाहते हो, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दो ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा और तगड़ा और स्मार्ट है। तो लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि 10,000 रुपए के नीचे का फोन और गेमिंग कैमरे में सबसे नंबर वन पे जो आता है Realme C21। हाँ, आपने सही सुना, Realme C21 Y। अगर हम बात करें इसके रैम और स्टोरेज के बारे में, तो इस स्मार्टफोन ने 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज दिया है। और अब बात करें इसके बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे के बारे में, तो बैक कैमरे में 13MP+2MP+2MP का रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 5 एम्पियर का तगड़ा कैमरा दिया है। इसके बैटरी 5000mAh की है। और बात करें इसके फ्लिपकार्ट पर प्राइस कितना है, तो इसके प्राइस मात्र 10,499 रुपये है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो सेकंड नंबर पे आता है इन्फिनिक्स हॉट 11S। इसका भी रैम 4GB और स्टोरेज 64GB का है। और बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसका डिस्प्ले 6.78 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। इसका 50MP रियर कैमरा है, तो 8MP फ्रंट कैमरा है। इसकी बैटरी बैकअप 5000mAh की है। और इसका प्रोसेसर MediaTek का हेलो G88 का प्रोसेसर है। और इन सब के साथ साथ आपको 18W के फास्ट चार्जर भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।